नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इन्होंने भाई साहब ने कमेंट में लिखा हुआ है, भाई साहब मेरी दुकान के अंदर सारा सामान है, सारा सामान होते हुए भी दुकान में कोई भी बरकत नहीं है, या फिर ये मान लीजिए कोई भी प्रॉफिट नहीं है दुकान के अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई साहब का। मैं इसके बारे में कुछ, मैंने 5-4 हेडिंग लिखी हुई है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो भाई क्या हो सकता है। जैसे कि क्या होता है हमारे पास, भाई ने पहला सवाल तो क्या है भाई, सारा सामान है फिर भी कोई भी बरकत नहीं है। इससे हमने ये समझ आता है जो कि आपकी दुकानदारी है, जहाँ पर भी है दुकानदारी आपकी, वहाँ पर ग्राहकी कम हो सकती है। ठीक है, यदि ग्राहकी कम होगी और उसके कारण प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, वहाँ पर आपके वर्कर के और जो आपकी दुकान है, दुकान का किराया और वर्कर का जो पेमेंट है वो अधिक होगा। ठीक है, इससे हमने ये पता लगता है पहले सवाल में अगर कवर करते हैं तो। दूसरे सवाल में यदि हम कवर करते हैं तो दूसरे सवाल में हमने ये लगता है कि भाई आपकी दुकानदारी है उसके अंदर, मान लीजिए हमने एक दुकानदारी कर रखी है, वो गांव में है या शहर के अंदर है, उसमें भी ज़्यादा फर्क आता है इस चीज़ का। जैसे कि हमने देखना भाई, गांव में दुकान है उसमें किराया अधिक हो जाता है हमारा, और वर्कर भी अधिक हो जाते हैं, और प्रॉफिट हमारा कम होता है क्योंकि ग्राहकी के कारण हमने देख लिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये चीज़ें अनुमान लगानी होती है भाई, हमारा जो प्रोग्राम कैसा है, किस प्रकार से चलता है। जैसे कि हम दुकान में कंटिन्यू कितने समय पर रहते हैं और जो हमारा हिसाब किताब है वो किस प्रकार से चलता है। जैसे कि हम कंटिन्यू दुकान में रहते हैं तो उससे भी बहुत ही जो इनकम होती है, आमदनी होती है, उससे भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आज के दिन मान के चलते हैं भाई, आज के दिन किसी का विश्वास मत करना भाई, आपने जो वर्कर है या और कोई भी है, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। दूसरा पॉइंट था आपका भाई, वर्कर हो चाहे कोई भी हो, आपने जितना जितना टाइम आप दुकान पर देते हो तो उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तीसरी बात ये है कि जो आप अपनी दुकानदारी है वो पार्टनरशिप में हो सकती है। ठीक है, पार्टनरशिप में किसी की भी दुकानदारी नहीं चल सकती। ठीक है, पार्टनरशिप में दुकानदारी नहीं चलती, इसलिए आपने भाई पार्टनरशिप पर थोड़ा विश्वास करना होगा भाई, आपका पार्टनरशिप कैसा है उसके अंदर। मान लीजिए क्यों ना एक माँ के दो बेटे हों, वो भी एक माँ सागी नहीं खटा होती। आज के दिन ऐसा माहौल है भाई साहब, पार्टनर का किसी का भी विश्वास मत करना। आप सही है, आपका पार्टनर सही नहीं हो सकता, वो सही है तो आप सही नहीं हो सकते। ठीक है, मन मन मोटाव की बात हो जाती है इस प्रकार से। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की दुकानदारी चल सकती है वो कैसे, जैसे कि हम मान सकते हैं कोई तो टोकन के बारे में चल सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बाहर से टोकन लिया और टोकन का नंबर चढ़ा दिया और अंदर जा करके खाना खा लिया, खाना खा करके टोकन के हिसाब से पेमेंट जमा हो गई उनकी। एक तो टोकन की जो दुकानदारी है जो पार्टनरशिप में, वो चल सकती है। ठीक है, और दूसरी जो आपकी दुकान होगी वो बिलिंग की दुकान चल सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने बिल बनवा लिया है, पेमेंट भी करवा दी है भाई, ये चीज़ हमने खानी है, पेमेंट भी करवा दी है और पेमेंट करवा करके हम जो चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, जो बिलिंग की दुकानदारी भी चल सकती है पार्टनरशिप में। इस प्रकार से आपने थोड़ा पार्टनरशिप पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तीसरी बात हम देखने वाले हैं भाई, जो भी बिलिंग की बात कर ली हमने, पार्टनरशिप की बात भी कर ली है, और आपकी मान लीजिए दुकान घर की है, ठीक है, इसके अंदर भाई कोई भी खर्चा नहीं है, तो आपने रेगुलर दुकान में टाइम देना होगा, और जो आपके वर्कर हैं उन वर्कर को कम कर देना है, एकले ही दुकानदारी को संभालना है। जो कि आप दुकानदारी में, जैसे कि आपको पता ही है, उधार बगैर तो दुकानदारी चलती नहीं है, उधार करनी बहुत ही ज़रूरी होती है दुकानदारी में। मेरे पास भी दुकान है, ठीक है, उधार करनी बहुत ही ज़रूरी है। यदि उधार करते हो तो कई बार क्या होता है, जो आप कलम है, कलम को जो आपका ग्राहक खड़ा है, तो वो उसको सामान फिर देना बाद में देना, आपने पहले जो कलम उधार की है उसको चलाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कलम यदि आप भूल जाते हो देना लिखना, तो आपकी उधार के कारण भी दुकानदारी खराब हो जाती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनको बातों को आप नोटिस करते हो तो आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। ऐसा नहीं है भाई 10 से 15% मार्जिन होती है। फिर तीसरी बात है, आपकी दुकानदारी के अंदर कमाई कितनी होनी चाहिए, ये एक मेरे भी एक्सपीरियंस है, और जो और भाई हमें उनसे भी एक्सपीरियंस किया है इस बात का।
ठीक है, दुकान के अंदर मैक्सिमम बिक्री होनी चाहिए, जो मैक्सिमम आमतौर पर बाजार में मार्केट के अंदर जो एक दुकान का किराया चलता है। ठीक है, मान लीजिए एक दुकान का 5,000 रुपये किराया है प्रति महीना, तो हमारी दुकान की इनकम या कमाई पर डे 5,000 तक होनी चाहिए। यदि 5,000 से कम होती है तो इसके अंदर हमने सामान बढ़ाने की आवश्यकता होगी, या फिर कुछ भी कीजिए आप इसको, दुकानदारी को अच्छी तरह चलाने के लिए इसके अंदर माल डालो या कुछ भी डालो, मैक्सिमम आपकी बिक्री 5,000 होनी चाहिए पर डे। ठीक है, आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, ये चीज़ नोटिस करोगे तो आप दुकानदारी अच्छी से चला सकते हो। और तीज एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, जो भी आपका किराने का सामान आता है या जो भी आपका दुकान का सामान आता है उसको आपने नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, कितनी वैरायटी आई है हमारी, 50 वैरायटी आई है इस गाड़ी के अंदर या जो हमारा माल पैक होके आया है, और 50 वैरायटी का जो कैलकुलेटर जो जोड़ कितना हुआ, टोटल जोड़ कितना हुआ, टोटल पेमेंट कितनी हुई, वो एक बार आपने मैचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, सामान जो आता हमारा मैच नहीं करते, तो आपने अच्छी तरह से हमारी वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा। गुजारिश करता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।